मेरा लोगो, ये लोगो बनाया था शेवी मोटर्स के नाम से। पहले तो ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, और मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ, सही दिखेगा। ये कैलेंडर सबसे अच्छा बना है, जिसको भी मैंने दिखाया सबने कहा कि यार कैलेंडर क्या। सर ने बोला आपका ये प्रोजेक्ट का जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट मीन्स ये जो कलर जो है रेड, ये कलर जो है, सर ने बोला ये आपका कलर सही नहीं है सर, आपको पिक्चर सही नहीं दिख रहा, मैं कल आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह हुई है कराची में मॉर्निंग, क्योंकि मैं परसों इस्लामाबाद से आ चुका, और आने के साथ ही एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वो पॉडकास्ट ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तो आज के ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड किया वो पूरा वन डे रेस्ट किया हूँ, परसों आया हूँ शाम में, वन डे भी नहीं कुछ ही घंटे, क्योंकि परसों शाम में मैं आया हूँ और कल शाम में वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, और काफ़ी ज़्यादा मुझे काम था, और आप लोगों को प्रोजेक्ट भी दिखाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट सारा प्रिंट होकर आ चुका है मेरा। तो आज के ब्लॉग में आपको प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, और कॉलेज भी जाना है आज, अपना प्रोजेक्ट भी फाइनल करवाना है आज। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही काम है, जब से आया हूँ तब से काम ही कर रहा हूँ, क्योंकि कराची में आओ तो उधर जितना भी काम था वो सारा करना पड़ रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में बिल्कुल फ्री, कोई भी टेंशन नहीं। अब जब से कराची आओ तब से टेंशन, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और अभी तोते लोगों को भी देखने जाना है कि वो लोग कहाँ हैं कैसे नहीं है, आज तो बहुत सारा काम है। तो कल जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया वो एडिटिंग नहीं किया था मैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम्माद अभी आ रहे थोड़ी देर में, उसने मुझे अभी कॉल किया, तो वो जैसे ही आएगा तो हम लोग वो पॉडकास्ट एडिट करके आज अपलोड करेंगे। यहाँ लैपटॉप वगैरह सब चीज़ ऑन कर चुका हूँ, अब जैसे ही हम्माद आएगा और फ़ौरन ही हम लोग एडिट करने बैठ जाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे अपलोड करना, और टाइम हो रहा है 11, और ये पॉडकास्ट मैक्सिमम 30 मिनट का है, तो इसमें टाइम लगेगा एडिटिंग में। अभी कर रहा हूँ हम्माद का वेट, मैं इसीलिए पूरा लैपटॉप ऑन करके रख चुका हूँ कि जल्दी से वो आए और फ़ौरन ही एडिट स्टार्ट कर दें हम लोग। मैंने स्टार्ट कर दी, और आप लोग लाजमी जाके ये पॉडकास्ट देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छा बना है, और आप लोग को यहीं से पता चल जाएगा कि कैसा बना होगा। एडिटिंग वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है, हम्माद भी घर जा चुका है, अब मैं करूँगा इसको पोस्ट, और टाइम हो रहा है, इस वजह से मैं इसको शॉप पर ही लैपटॉप लेकर जाऊंगा और उधर ही अपलोड करूंगा। अपने लैपटॉप का बैग ले लिया और दुकान में ही जाके वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि टाइम हो रहा है। घर आ चुका हूँ और पॉडकास्ट अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके लाजमी देखना। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और खाना खाने के बाद फिर आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जो प्रोजेक्ट रेडी किया है। मैं खाना खा के और अपना टी लेकर ऊपर आ चुका हूँ, और एक ताज़ा तरीन खबर मिली है कि जितने भी तोते थे वो सारे उड़ चुके हैं। अब जल्दी से देखते हैं कि इधर यह है पूरा खाली, एक भी नहीं है, और ना इधर है। तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया मुझे। मज़ा आया, कोई भी तोता नहीं बचा, सब उड़ गए। वो पुराने ज़माने के जो लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि रास नहीं आया पुराने ज़माने के लोग ना यही सब कहते हैं कि इसको ये चीज़ रास नहीं आया। अब लेकिन मान लेना चाहिए, पुराने ज़माने के लोग कुछ बात सही भी बोलते हैं कि राज नहीं आया। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है, दूसरा लेकर आऊँगा। लेकिन यार अब पापा ने कहा है कि अब तुम मत लेकर आना, क्योंकि ये तुमसे पलना नहीं है, तुम अपने काम में बिज़ी रहते हो, और ये सारे उड़ चुके हैं, इनको वक्त पे खाना नहीं मिलता है, और इस वजह से अब तुम नहीं लेकर आना। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। और काफ़ी दिन बाद टेरिस पर आया हूँ, क्योंकि नहीं था घर पर, तो थोड़ा सा इधर बैठकर अपना टी वगैरह पीकर फिर जाऊंगा नीचे, और आप लोगों को मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूं, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद में था तभी मैं किसी प्रिंट जो प्रिंट निकलवाते हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, तो उनको मैं सारा ईमेल कर दिया था, उन्होंने फिर प्रिंट करवा के आज सुबह ही भिजवाया कि आपका ऑर्डर क्लियर हो चुका है, और पूरा ये पड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा हुआ ना, लेकिन रिजेक्ट कर दिया है सर ने, मैंने सर को ईमेल किया था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैंने घर पे बनाई थी, तो सर को मैंने सेंड किया, सर ने बोला आपका ये प्रोजेक्ट का जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट मीन्स ये जो कलर जो है रेड,
ये कलर जो है, सर ने बोला ये आपका कलर सही नहीं। मैंने बोला सर आपको पिक्चर सही नहीं दिख रहा, मैं कल आऊँगा, मुझे जाना था आज, बट मैं आज इसलिए नहीं गया क्योंकि आज है मंडे और मंडे वाले दिन सारे स्टूडेंट आते, फिर सर भी सही नहीं देख पाते और ना मुझे कुछ सही समझा पाते। तो तभी मैंने सर को कहा सर मैं ट्यूसडे वाले दिन आऊँगा, आपको सही से दिखा दूंगा। तो सबसे पहले ये है मेरा, ये क्या था ये था लोगो, नहीं लोगो नहीं, ये है पोस्टर, ये रहा पूरा पोस्टर प्रिंट वगैरह है। और शेवी मोटर्स और भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अरे कहाँ जा रहे हो, ये प्रिंट वगैरह है जिसमें इन उन्होंने एक गलती कर दी है। और ये जो प्रिंट होकर आया ना, ये आना था ग्लोसरी पेपर पे, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल अलग ही पेपर लग रहा है। मुझे नहीं पता, जिनको मैंने ऑर्डर दिया उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं जहाँ कॉलेज जाता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं उस कॉलेज का काम करते रहता हूँ, तभी मैंने उनको ऑर्डर दे दिया। लेकिन सर ने जो मुझे कहा था कि अगर शेप ये फ्रंट है तो बैग भी उसका वैसी होना चाहिए, बट इसका बैग कुछ ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ कलर वगैरह नहीं पता चल रहा। पता नहीं इन्होंने क्या किया, इसका बैग कैसा दिया पता नहीं है, सर को दिखाऊंगा तभी पता चलेगा, फिर उनके पास जाके चेंज करवाना होगा मुझे। और ये है मेरा लोगो, ये लोगो बनाया था शेवी मोटर्स के नाम से, पहले तो ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। और मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ सही दिखेगा। ये कैलेंडर सबसे अच्छा बना है, जिसको भी मैंने दिखाया सब ने कहा कि यार कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया है तुमने। ये कैलेंडर हो गया और ये है वो एनवलप, ये एनवलप बना हुआ है, सिंपल सा एनवलप होता है क्योंकि एनवलप में कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ आपका नाम डलता है और आपका लोगो डलता है। और ये भी उन्होंने ग्लोसरी पेपर पे नहीं किया, पता नहीं कौन से पेपर पे किया, बिल्कुल हल्का पेपर है ये। और ये है बंटिंग्स, नहीं लेटर हेड है, लेटर हेड में सिर्फ वो आता है जगह का नाम, ये रहा नाम और फ़ोन नंबर वगैरह होता है, ये फ़ोन नंबर है। तो ये हो गया हमारा लेटर। और ये जो है ये बंटिंग्स है, ये बंटिंग्स होते हैं ना कि 14 अगस्त वाले दिन जो हम लोग झंडियाँ लगाते हैं हर जगह, तो ये बंटिंग्स भी वैसी होता है। अगर कोई न्यू मॉल वगैरह खुलता है तो उसमें ऑफ़र देते ना कि जैसे मिसाल के तौर पे शूज़ है, इस शूज़ पे आपको इतना परसेंट डिस्काउंट है, न्यू ऑफ़र आया है, जब भी न्यू ऑफ़र आता है तो ये बंटिंग्स वगैरह लगते हैं। तो बंटिंग्स हर डिज़ाइन का होता है, जो ज़्यादातर रेक्टेंगल में होता है, बट मैंने इसको रेक्टेंगल में नहीं होता, सॉरी बल्कि वो गोल डिज़ाइन में होता है, सर्कल के तौर पे होता है, या तो फिर जो 14 अगस्त के जो झंडी वगैरह होते हैं उस तरीके से होता है, बट मैंने बिल्कुल ही डिफरेंट बनाया है। और ये यहाँ से पूरा कटआउट हो जाएगा, यहाँ से पूरा ये कटआउट होगा, कटआउट होने के बाद इसमें धागा लगाया जाएगा। सर ने कहा कि मैं इस पर धागा लगा दूंगा क्योंकि तुम्हारा डिज़ाइन कुछ अलग है, तो धागा लगा के ये इसको फिर अलग करेंगे। और ये है कार्ड, कार्ड करवाना था एक ही, बट उन्होंने कहा कि एक कार्ड नहीं करवाओ क्योंकि कार्ड में आपकी मर्ज़ी होती है, आप जितना भी कार्ड करवा लें। मैंने इसको कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा 10 है 10, और ये मैं सबको एक एक बांटूंगा और एक अपने प्रोजेक्ट के साथ दे दूंगा। बस मेरा यही सब था प्रोजेक्ट जिसमें मैंने 8 चीज़ें बनाई थी, ये और ये था पोस्टर, ये था मेरा वो कार्ड, और ये था बंटिंग्स, ये लेटर, और ये है एनवलप, और ये है कैलेंडर, और ये था लेटर वो लोगो, और ये था ब्रोशर। ये ब्रोशर का बिल्कुल भी पेपर मुझे सही नहीं लग रहा है। अब कल सर को ये प्रोजेक्ट दिखा के फाइनल करूँगा, और फाइनल करने के बाद फिर इसको सर ने कहा कि फाइल वगैरह पे लगवाना है, तो इसको फाइल वगैरह पे लगा के कंप्लीट करूँगा। और मेरा रिज़ल्ट भी आने वाला है, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट का तो काफ़ी ज़्यादा डर है क्योंकि 3-4 दिन में रिज़ल्ट आने वाला है, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा फिर मैं मार्कशीट लेने जाऊँगा, मार्कशीट लेकर फिर जमा करवाऊँगा। तो आई थिंक जनवरी में इसका पेपर होगा, और फरवरी में मुझे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट फाइनली मिल जाएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, फिर इंशाल्लाह अच्छी अच्छी जगह अप्लाई करूँगा। इंसान को सोच अच्छी रखनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्लान बनाया हुआ है, इंशाल्लाह उसी के मुताबिक चलूँगा और आप लोगों को भी दिखाते रहूँगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और अभी जो मेरा दिमाग है ना वो इस्लामाबाद के रोड पर ही घूम रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता, आप कहीं से भी आते हो ना, आप
का दिमाग वहीं पर रहता है। तो कुछ अभी ऐसा सीन है, अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ व्लॉग बनाने, व्लॉग बस बन रहा है, कुछ भी बन रहा है लेकिन अच्छा ही बन रहा है। आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक दें इस व्लॉग में, और लाजमी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस पॉडकास्ट का, ऑनलाइन इंस्टा स्टोरी भी डाला। अगर इंस्टा पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो लाजमी जाके मुझे फॉलो करें आईडी पे, यूट्यूब पे लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम की, तो लाजमी जाके उधर फॉलो करें, टिकटॉक पे भी करें, अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं मुझे, और आप लोग दिखाते भी हैं। थैंक्स, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।